वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही असरदार क्रीम बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि है नीम क्रीम, यानी कि नीम से बनी हुई क्रीम। नीम की पत्तियाँ आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। नीम आपके स्किन पर से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, झाइयां और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपको बहुत टाइम से है और जान ही रही है, वो आपकी स्किन पर से सिर्फ कुछ ही दिनों में रिमूव कर सकती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर, स्पॉटलेस, ब्राइट एंड ग्लोइंग बना सकती है। तो मैं इस क्रीम को बनाने के लिए 100% नेचुरल नीम लीव्स पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये पाउडर रेडीमेड है और ये नीम की पत्तियों से बना हुआ है और ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट आप इस क्रीम को फ्रेश नीम की पत्तियों से भी बना सकते हैं। बट मैं आज इस क्रीम को इस नीम पाउडर से बनाने वाली हूँ, तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इस नीम क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में आधा चम्मच ये नीम पाउडर ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको इस पाउडर के अंदर 2 से 2.5 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल या नॉर्मल पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उसको डालकर अच्छे से मिलाना है ताकि एक रनी पेस्ट बन जाए। तो अच्छे से मिलाने के बाद आपका ये पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी गांठें हैं और बहुत सारा डर्ट है इस पेस्ट के अंदर। तो उस डस्ट और उन गांठों को हटाने के लिए हम इस पेस्ट को छानेंगे ताकि एक फाइन नीम पेस्ट हमारी क्रीम के लिए तैयार हो। तो अब मैं इसको छानने के लिए एक छन्नी की मदद ले रही हूँ, बट आप इसको एक कॉटन के कपड़े या मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। और इसको अच्छे से छानने के बाद आपका ये पेस्ट देखिए कितना फाइन है और इसके अंदर कोई भी गांठे या कोई भी डस्ट या डर्ट नहीं है। तो चलिए अब हम इस पेस्ट से अपनी नीम क्रीम बनाते हैं। और नीम क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में इस पेस्ट के 2 बड़े चम्मच ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए स्वीट आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, और हम यहाँ पर 1 चम्मच बादाम का तेल इस पेस्ट के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद हमें चाहिए कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, बट अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल इस पेस्ट के अंदर डाल रही हूँ। और अब इसको डालने के बाद अब मैं इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक क्रीमी और फ्लफी पेस्ट तैयार हो। और इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास प्योर एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के इस पेस्ट के अंदर डालकर इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक क्रीमी, फ्लफी और स्मूथ क्रीम तैयार हो। और इन सबको बहुत अच्छे से मिलाने के बाद आपकी 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव नीम क्रीम रेडी है। और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए और ये क्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस क्रीम को एक कंटेनर के अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। बट ये इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की इस क्रीम के अंदर डाल रही हूँ और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इस क्रीम के अंदर अच्छे से मिल जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी हाईली इफेक्टिव नीम क्रीम रेडी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाना है और आप इस क्रीम को अपने फेस पर या अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से लगाकर इसको 10 से 15 सेकेंड के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।